गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 क्लास 12th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है। साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। अंश में हमें दिख रहा है दो टर्म है, दो पद दिया हुआ है, हर में सिंगल है, तो इसको हम तोड़ देंगे, बीच से तोड़ दीजिए। जब इसको तोड़ देंगे हम तो मिल जाएगा साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, कट गया वहाँ, 1 पावर शेष हो गया, यहाँ ये कट जाएगा, 1 पावर बच जाएगा। आपके पास क्या बचा, साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ बचेगा कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसके बाद साइन अपान कास ये होता है टेन, या 1 अपान कास ये हो जाएगा आपका सेक एक्स, एक कास बचेगा आपके पास, साइन अपान कास हो जाएगा बेटा टेन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपान साइन ये होता है कोसेक एक्स, कास अपान साइन ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। साइन अपान कास टैन, 1 अपान कास सेक हो जाएगा, कास अपान साइन कॉट, 1 अपान साइन कोसेक हो गया। चलिए, सेक एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपको बताया गया होगा सेक एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका होता है सेक एक्स, कोसेक इंटू काट एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ध्यान से देखिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा, सेक स्क्वायर का डिफरेंशियल हो इंटीग्रेशन में आ जाएगा बेटा टेन एक्स, ये हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x टू साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन देखिए, कास 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। चलिए भाई, सॉल्व करते हैं, बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन है, एकदम हलवा है। देखिए क्या कह रहा है, कास 2x का फार्मूला लगाइए, तो कास 2x का फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तीनों फार्मूले, एक और होता है इसमें टेन के रूप में हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, समझे। अब आप देखिए किस फार्मूले का यूज करके हम सटेबल वैल्यू पा सकते हैं, ध्यान से देखो, अगर हम इसका फार्मूला ये रख दें तो हमारा साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, इससे कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया बेटा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स, और 1 अपान कास क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 अपान कास सेक, पावर दिया है 2 तो हो जाएगा सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है,
टेन एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। अब एक्सरसाइज के बाकी जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा। थैंक यू, अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।